माना जा रहा है कि फरवरी में पेश होने वाले बजट में क्रिप्टो पर गाज गिर सकती है। आरबीआई पहले ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट को लेकर आगाह कर चुका है और अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बजट में सरकार सख्ती बढ़ाने के लिए हो सकता है कि कुछ अतिरिक्त उपायों का ऐलान करे। पिछले बजट में अगर आपको याद हो तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग और मुनाफे पर टैक्स लगाने का ऐलान किया था। उसके बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग पर काफी असर पड़ा था, ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी घट गई थी। ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के विजिटिंग फेलो और फाइनेंशियल एक्सपर्ट श्रीनाथ श्रीधरन की अगर माने तो रेगुलेशन के हिसाब से क्रिप्टो एसेट्स को बहुत डाउटफुल तरीके से देखा जाता है। इसे बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव एसेट्स भी माना जाता है क्योंकि इसकी कोई अंडरलाइंड वैल्यू नहीं होती है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि आरबीआई कई बार इसे रिस्की बता चुका है, उसका ये भी मानना है कि इसे कानूनी मान्यता देना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को पैदा करने जैसा होगा। फिस्कल डेफिसिट में कमी करना निर्मला सीतारमण की पहली प्राथमिकता होगी, ऐसा माना जा रहा है। आरबीआई की नजरें क्रिप्टो एक्सचेंजों पर भी रही हैं, जो प्रत्यक्ष मतलब जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट से होने वाले प्रॉफिट पर 30% टैक्स लगाने का उन्होंने ऐलान किया था। क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन पर भी 1% टीडीएस लगाया था, इसका क्रिप्टो ट्रेडिंग पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था। उसके बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गई थी, क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। सो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कॉमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बजट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।